सो हेलो एवरीवन। आज मम्मा के लग गई है चोट पैर में, और अब यहाँ पे हम एक्सरे करवाने आए हुए हैं। डॉक्टर से पट्टी बांधने का तरीका सीख रहा था, एंड यहाँ पे मम्मी से मिलने आए थे। गांव में तो ऐसा होता ही है कि लोग लगती नहीं और मिलने आ जाते हैं सब। और उसके जस्ट बाद हमारे ये फिटिंग करने वाले भैया भी आए हुए थे, सबको आज ही आना था। और भाई व्रत जो होता है दादी माँ करती है, तो उनके भाई उनको पैसे देते हैं, उनकी कुछ लाना होता है सामान, तो वही दादी माँ के लिए लेने गया, कचौड़ी जलेबी मिठाई एंड ऑल। सो आई नो बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे लगी। सो सावन का महीना था और हम 2 किलोमीटर ही हमारे घर से था, तो हम ई रिक्शा में बहुत सारे लोग जा रहे थे, और रास्ते में वहाँ पहुँचते पहुँचते ये पलट गया था। सो मम्मा की लग गई थी, सो इसीलिए उनके पैर में चोट लगी। हम सब भी गिरे लेकिन हम बच गए, और मम्मा की लगी। सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं भी जस्ट अभी अभी उठी, मेरी हालत देखो, प्लीज इग्नोर करना इन सबको लेके, लेट्स गो। एक्चुअली मैं अभी ना चाय बनाने जा रही हूँ, बिकॉज मेरी नाक है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया उसने मेरे को। प्लस इम्पोर्टेंट बात ये है कि मम्मी का पैर भी लगा हुआ है, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा उनके पैर में लगी हुई है। सो और दादी माँ को ऊपर चढ़ा उतर नहीं जाता। सो आई एम द वन जो सारे काम करती है, जस्ट किडिंग, पापा बिल्कुल हेल्प करवाते हैं मेरी। So, let's go and चाय बनाते हैं। So, आप सही देख रहे हो, मैं सिर्फ दूध डालती हूँ, पानी नहीं डालती चाय के लिए। और ये मंत्रा मैंने सीखा है मेरे मामू के लड़के मोंटी में ऐसे। सो थैंक्स फॉर दैट, बहुत अच्छा ही है, मतलब अच्छी चाय बनती है। सो ये सो यस, मैं सिर्फ चाय पत्ती, दूध और क्या बोलते हैं वही डालती हूँ। अभी आज मेरा जुकाम है, सो मंत्रा मैं डालती हूँ चाय पत्ती, दूध, अदरक, बस हमारे शक्कर नहीं डालते बिकॉज मम्मी के डायबिटीज़ है, और दादी ने भी सीख लिया है बिना चाय के रहना। सो यस, और मेरा एक मेन इंग्रेडिएंट है तुलसी, बिकॉज सबकी जुकाम हो रही है ना, सो तुलसी। सो या सुबह सुबह मेरे फेस पे देखो कितना परफ्यूमनेस आ जाती है, इसको देख के मुझे ना आशना हेगड़े की याद आती है। सो जिसको नहीं पता, शी इज़ अ यूट्यूबर और मेरी फेवरेट थी वो, थी से मतलब है कि अभी भी है, बट पहले मैं बहुत देखा करती थी उनको, एंड उनको देख के मेरा इंस्पायर काइंड ऑफ हुई थी कि अरे यूट्यूब अच्छा है यार, मतलब अच्छा है काफ़ी। सो क्या कहने वाली थी, हाँ उनका भी फेस है ना सुबह सुबह बहुत ऐसा रहता भट्टे जैसा। सो यस, एंड क्या बोल रही थी, लास्ट में शक्कर हमारे डालते नहीं है। सो लेट्स गो एंड चाय को बनाते हैं। वेल आई एम थिंकिंग कि ये मैंने गले में रखे हुए थे, सो कर खाते हैं। सो आप अच्छे से बोलो, जब तक मैं ये मैच ना करूं तो मेरे से कुछ अच्छे से काम नहीं हो सकता है ना। सो सो यहाँ पे मॉर्निंग में हमारे ना आटा लेने वाली आंटी जी भी आती है मंदिर के लिए जो आते हैं ना, सो वही उनको आटा दे रहा था, एंड मम्मी से चाय के लिए पूछते हैं कैसी बनी चाय। ये देखो पैर ठीक है अब। कैमरे के आगे जी डबल पेयर है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जब आपका पेट ठीक हो जाए तो आपको दिखा के ऐसे ही ब्लैकमेल करूँ कि मम्मी मेरे काम किया था, आप मेरा भी काम करो। आप आजकल कहते हैं ना लोग कि है ना कौन किसका सहारा होता है, मेरी माँ का एक ही सहारा है बस फिलहाल, वो है ये। तारी चाय कैसी लगी? सो मेरी बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैं लेट के बात कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी मम्मी को नहलाया, बिकॉज उनका फ्रैक्चर है ना, सो उनको कंप्लीट 15 डेज का बेड रेस्ट बोला है। एक्चुअली फ्रैक्चर नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, सो
उनको 15 डेज के लिए रेस्ट करना है, तो मैं उनको नहला के आया हूँ, मैंने कपड़े धो दिए मशीन में, उसके बाद सुखा के आ गया हूँ, प्लस मैंने उनको मेडिसिन दे दी है और वो कपड़े चेंज करके रेस्ट कर रही हैं। खाना बनाने की दिक्कत नहीं है, बिकॉज आज हमारे फंक्शन है तो हम उस फंक्शन में जाएंगे, तो वहीं पे खाना भी है। और एक्चुअली यहाँ फंक्शंस में क्या होता है, आप एनवलप एक्सचेंज करते हो, लिफाफा वगैरह हमारे यहाँ होता है, कपड़े दिए जाते हैं, सो मुझे कपड़े पहनाने भी वहाँ पे जाऊँगी फंक्शन में, खाना खाने जाऊँगी वहाँ से, खाना घर का ही फंक्शन है तो लेकर भी आऊँगी दादी मम्मी के लिए। और पापा स्कूल चले गए हैं, और क्या अपडेट देनी है। हाँ, अब उसके बाद सब रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी सोने जा रही हूँ थोड़ी देर, और सोने के बाद मैं उठूँगी, नहाऊँगी और फिर फंक्शन में चलेंगे और आपको भी साथ लेके जाऊँगी। सो तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। ओके सो अभी मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ, मम्मी और के लिए भी ले आया था। हाय हाय, कैसा लगा खाना आपको, दाल बाटी चूरमा का? बहुत अच्छा था। यस, अब मैं जाऊंगी करने, मैंने साड़ी ऐसी पूरी पैक कर ली है, ये सब प्लस हमारा ये लिफाफा और एक नारियल, डन। हाँ गाइस, बहन इनके, मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरी लगी हुई है पैर में, इसलिए मैंने तो नहीं लगाई गाइस, मैं तो चिल हूँ, गिरा तो मैं भी था पर मेरे कुछ नहीं हुआ जैसा कि एंड ये कबूतर रोज आता है और हमारी बातें सुनता है, ऐसे करके लगता है ये हमारे कोई पूर्वज है, क्योंकि सब लोग ऐसा ही बोलते हैं।